अपने सहायक को भी असीर बना, चंद लोगों को ही अमीर बना, केस जिस पर भी था करप्शन का मेरे मुल्क का वो वजीर बना। ये हिस्ट्री तो है यही बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो आप टी शर्ट में ही आ गए। टी शर्ट मुझे अच्छी लगती है ना, मेरी फैमिली में कनाडा होती है सारी फैमिली, लंदन यूरोप, तो उधर टी शर्टें वगैरह ज्यादातर उधर ही मांगते हैं सब। पता क्या, उधर पता नहीं चलता। हाँ, उधर तो हम इतना ही कहते हैं सिर्फ प्लीज हेल्प मी, तो मिल जाते हैं डॉलर भी, पाउंड भी मिल जाते हैं। तो सर जितनी महंगाई हो गई है, हम सबको भी कनाडा चले जाना चाहिए। कैसे सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, फैमिली गैदरिंग्स हो या फिर ऑफिशियल, मोबाइल फोन का यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, इसकी क्या वजह है? बीवी का मैसेज भी आ सकता कि पैंपर लेंदे आना, कोई मसला तो शो के बाद देख लेना। सर मैनू मैसेज आया जी कि पैंपर लेके आना, 2 किलो गोश्त, 3 किलो प्याज, अगर ना आए तो अज फिर बाहर फटे थे सोवोगे। मैं वह कह रहा कि मैंने रिकॉर्डिंग ते गा, मैं कर लेंदे। मैं फटे वाले ने कहा चुक छड़िया, उन्हें तिरली रखे सौन ली। सारा का सारा फायदा उस दुकानदार को जा रहा है। क्यों? चौकीदार रखने नहीं पै रहे। ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਭੀ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਉਹ ਫੋਨ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। की दिल कर रहा था तड़ा? कोई नहीं, गड्डी दा पंपर नवा पवा लेंदे ने। वासा सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर गए हो और आपके वाइफ ने कहा हो कि मोबाइल को बिल्कुल साइड पे रख दे, इसको यूज नहीं करना? ओ ते नाल सोटियां भी मारदे सानू दस देनी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब चौधरी इफ्तिखार हुसैन छछर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस, मॉडल और अब होस्ट मोहतरमा जारिया खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बिल्कुल यंग और बड़े प्यारे हैं सर। क्या बात, MPA है, PMLN के चौधरी इफ्तिखार हुसैन उकाड़ा से आए। अच्छा। और इनके साथ जो एक्ट्रेस मॉडल जलवागर हैं, जारिया खान कहलाती हैं। क्या बात, बेशक। देखते हैं ये दोनों मेहमान आज मजाक की रात में ठाकुर कितने रंग बदलते हैं। झूठा कारोबार है अजकल, झूठा ही सरदार है अजकल, जिन्हू अपनी होश नहीं कोई, जिन्हू अपनी होश नहीं कोई, ओ वड़ी सरकार है अजकल। मेरे साथ एक मसला बहुत ही संजीदा है, उसे देख के दिल हो जाता आबदीदा है। एक बात मुझे सच बता दें चौधरी साहब, आपने कभी 2000 और बिरयानी पे वोट खरीदा है? सवाल, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थैंक यू वेरी मच जी। अभी आज तक तो इत्तेफाक नहीं हुआ। वैसे ना ये PMLN पे एक लेबल लगा हुआ है बिरयानी वाला, सारी पार्टीज ही बिरयानी वाली हैं सर। लेकिन तुसी मटन पाउंदे हो, वड्डा गोश्त पाउंदे ने विच? हाँ, ये थोड़ा जिहा फर्क हो जाता है, कदे कदे छोटा गोश्त या वड्डे गोश्त का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सारी पार्टीज ही करदियां ने। PMLN ते लेबल है, सानू हाले तक इत्तेफाक नहीं हुआ। वैसे इफ्तिखार साहब मुझे बताएं, क्या ये वाकई लोग अभी तक सिर्फ
उस दिन के खाने के ऊपर वोट देते हैं? नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है जी। अभी बिल्कुल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चेंज हो गया है, 2002 के बाद बिल्कुल ही चेंज है। लोग वोट काम को देते हैं, वोट खिदमत को देते हैं, वोट नौकरी को मिलता है। और सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास, मैं बैठा हूँ बिल्कुल एक मिडिल क्लास से मेरा तअल्लुक है, और अल्लाह तबारक व तआला इसी मरतबा मुझे मौका दिया है, नेक्स्ट इलेक्शन में देखेंगे माशाल्लाह। तो काम का वोट है, और हमारा इलाका जो है वो देहाती भी है और शहरी हल्का भी है। तो ये बिल्कुल ही एक गलत है। और दिन जिस तरह सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई है और उन्होंने चेंज किया है, अब लोग काम को वोट देते हैं, वो बिरयानी शिरानी वाला चक्कर नहीं है। अवेयरनेस लोगों में ज्यादा जी बिल्कुल आ चुका है। आपके इलाके में आपके मुकाबले पे कितने लोग खड़े होते हैं? हमारा इलाके में अभी तक तो मियां मंजूर वट्टू साहब हमारे कंपटीटर हैं, उनकी फैमिली कंटेस्ट करती है हमारे मुकाबले में। अब नेक्स्ट भी वही लगता है कि उनकी फैमिली में से होंगे, या हुजरा शाह मुकीम के पीर साहबान हैं, उनका कोई कैंडिडेट हमारे मुकाबले तो में। सर क्या आपका दिल मान रहा है कि जीत जाएंगे? अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप समझते हैं कि ये जो अवेयरनेस आई है जवानों में, ये इमरान खान साहब की वजह से? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं, ओवरऑल इसमें देखें ना, इमरान खान साहब का मीडिया से, सोशल मीडिया से क्या है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि खान साहब की वजह से बदतमीजी का एलिमेंट बड़ा फैला है, ये कह सकते हैं। आज तमीज़ और इखलाक का कल्चर खत्म हो चुका है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। आई टोटली अग्री विद यू सर, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसे लैंग्वेजेस ही यूज करती हैं, और हमारी जो यूथ है फिर वो उनको फॉलो भी करती दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ कि बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए। बस ये हमारे जो कायदीन है तमाम पोलिटिकल पार्टीज में, उसमें मेरी पार्टी के हेड भी शामिल हैं, और बाकी दीगर और ज्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे भी आती है, क्योंकि यूथ की एक काफ़ी अक्सरियत उनको फॉलो करती है। तो ये को थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए, सियासत में इतनी बदतमीजी का कल्चर नहीं होना चाहिए। सर तो जो शुभाशी साहब जो मैक छोड़ देने दुनिया के जितने बड़े लीडर्स हैं वो जोश खिताबत में अक्सर इस तरह कर लेते हैं। ये गालम ग्लोच का कल्चर है, जो लैंग्वेज है आपकी, जो आप फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, इससे परहेज होना चाहिए। सर ऐसा इमरान खान से पहले किसी पार्टी ने नहीं किया था? नहीं, मैं नहीं कहता कि भी नहीं था, था लेकिन इस तरह नहीं था, ये जो सरेआम नंगा बिल्कुल एक ये नहीं। इफ्तिखार साहब, एक और चीज़ ये भी हुई है कि जो इमरान खान की राइज के साथ ही एक सोशल मीडिया की भी राइज है पाकिस्तान के कल्चर के अंदर, जो कि 2013-14 के बाद होना शुरू हुई है, तो कुछ मिक्स हो गया है दोनों चीज़ों का। मुझे लगता है जो लोगों को भी आदत नहीं थी कि इतना ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से वो बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं, ये भी एक चीज़ फिनोमेना पाकिस्तान में नया आया, तो वो कुछ दोनों का जो इलहाक है वो कुछ अजीब सा, शायद उसकी बाय प्रोडक्ट अजीब सी निकली है। नहीं सर, गुजारिश ये है, देखें जितने भी पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं ना, उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं या जो उनको मानने वाले हैं। अब खान साहब, मैं तो नहीं कहता, खान साहब का अपना अंदाज़े गुफ्तगु इस तरह का है कि भी उसने इसमें इस सारे सिस्टम में तेजी लेके आए हैं। इफ्तिखार साहब, इस पे बात ही आएगी कि अगर खान साहब का अंदाज़े गुफ्तगु इस किस्म का है, तो आपकी अपनी पार्टी से भी बहुत से अंदाज़े गुफ्तगु निकले जो खान साहब कॉपी कर रहे हैं, तो उनको भी अपने अंदाज़े गुफ्तगु स्टिक करना चाहिए था, वो क्यों खान साहब की डगर पर चल पड़े? भाई साहब, एक बर्दाश्त की एक हद भी होती है ना। नहीं, मैं आपको डाकू डाकू चोर चोर डाकू डाकू चोर चोर कहता रहूं और आप हूं भी ना, रिएक्शन आएगा ना। अच्छा, ये अब एक बात इसमें ये है कि अगर मैं आपकी एग्जांपल ये लूं कि दूसरी तरफ से भी आएगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से इस किस्म का इतना इस्तेमाल नहीं होता लैंग्वेज का, कम अज कम उनकी मेन लीडरशिप की तरफ से नहीं हो आपको नजर आता इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल, जो कि हमें नून लीग में नजर आता है, क्योंकि खान साहब आप कह रहे हैं कि वो भी करते हैं, खान साहब तो करते ही, आपने एक साइड पे हो गए, मगर नून लीग की मेन लीडरशिप भी अब ये कह रही है, आई थिंक अदर देन मे बी मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि इस तरह से शायद एंगेज नहीं करते, बहुत रेयर अकरेंसेज होते हैं, मगर उसके अलावा जो लीडरशिप है आपकी, वो तो जो पहले सही बोलती थी वो भी अब रिएक्ट उसी तरह कर रही है। वेयर एज पीपल्स पार्टी से हमें इस किस्म की ज्यादा लैंग्वेज नजर नहीं आ रही, बहुत ही कम कुछ चीदा चीदा मौके आएंगे जहां बिलावल साहब, वो भी खैर उनकी एक लैंग्वेज का इशू है उर्दू के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ लफ्जों का चुनाव उनका ग्रामर की वजह से खराब हो जाता है, वरना आपको नहीं नजर आता इतना सख्त लेजा जो कि एक्सचेंज हो रहा है नून लीग और पीटीआई के दरमियान। सर खान साहब का भी जो है ना जी तनकीद का मेवर, वो पीएमएलएन है। अच्छा। और उनकी पॉलिटिक्स का स्टार्ट भी पीएमएलएन है और इख्तिताम भी पीएमएलएन है। नहीं, हुण उन्होंने ज़ेहन पीडीएम ते बनाया जी, विच तुसी भी आ रहे पीडीएम के सामने तो
वजारत तो इन्हीं के पास है ना। जारी जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। ठीक ठाक हैं। आपने होस्टिंग भी शुरू कर दी है जी, ये कहाँ से ख्याल आया? आपको देख के ख्याल आ गया मुझे। होस्टिंग का इनको देख के, एक्टिंग का ख्याल किसको देख के आया? हाँ चलें, अब ये भी इनको देख के सारा मेरे पास है। एक्टिंग का तो खैर शुरू से ही शौक था, तो एक्टिंग की तरफ इसलिए गई थी, लेकिन होस्टिंग का ख्याल आपको देख के आया। मैंने कहा वाकई इतना एंजॉय, अगर ये कर सकते तो मैं भी कर ही लूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मगर आपने KPL आई थिंक किया था जी, कश्मीर प्रीमियर लीग, कश्मीर प्रीमियर लीग में। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? क्रिकेटर्स से आप कर रही थी इंटरेक्ट, इतने ज्यादा इतने स्टार्स होते हैं वो जी, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सबके इंटरव्यूज किए। अच्छा, तो पॉलिटिशियन से कैसा लगा वैसे इंटरव्यू करना? आसान होता है, मुश्किल होता है? अच्छा लगा, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा शाय हूँ, लेकिन पॉलिटिशियन से करके पता चला वो ज्यादा शाय थे। नहीं, वो ज्यादा शाय होंगे। शाय नहीं, वो शाय। वो ज्यादा शाय लगे आपको? बहुत ज्यादा शाय थे। अच्छा, मजे की बात है, मुझे तो कभी नहीं कोई शाय लगा। मैं नाम नहीं लूंगी, एक साहब के साथ मैंने इंटरव्यू किया तो वो तो कह रहे थे मैं मास्क लगा के इंटरव्यू दूंगा। मास्क लगा के इंटरव्यू दूंगा क्यों? मतलब उनको शर्म आ रही थी। उनको शर्म आ रही थी? ये क्या कोई MNA थे, MPA थे? नहीं कह सकते, नहीं या तो होंगे जी, नहीं जी, होंगे थे। MNA थे? जी, MNA थे। MNA थे। अच्छा, क्या उनका ताल्लुक उस वक्त की हुकूमती पार्टी से था? जी। अच्छा, क्या उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था? नहीं, मैं क्यों बताऊं? तकरीबन मैं पहुंच ही गया हूं तो बता दें। ये क्यों बताऊं? KPL के जो हमने इंटरव्यू देखे थे वो फवाद चौधरी का था, मुराद सईद का था, अफरीदी साहब का था, शेरयार अफरीदी, तो इनमें से किसी ने मास्क लगाया हुआ था? नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं था, फिर कौन सा वाला था? वो बस क्योंकि PTI सुने, आप ऐसे कह रही हैं ऐसे कोई इंटरव्यू चला नहीं होगा, वो चला तो होगा ना, तो ऐसी कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। नहीं, तो सुनेंगे तो वो कहेंगे मेरे बारे में ऐसी बात की है, हालांकि पता नहीं वो शर्मा रहे थे कि क्या था। मैं इसलिए तो ये जानना चाह रहा हूँ कि उनको कोई उस वक्त मसला हुआ था या वो वाकई शर्मा रहे थे, शायद हमारे पास आए हो ना शर्माए हो वो। हाँ, ये भी हो सकता। हमारे पास आए वो, इधर आए वो? नहीं, यहाँ नहीं आया अभी। अच्छा, यहाँ नहीं आए हुए? मेरा ख्याल अभी नहीं। कौन ही शर्मा रहे? बस ऐसे ही उन्होंने मास्क लगा के दिया था। नहीं नहीं नहीं, फिर हमने रिमूव करवा दिया था, मास्क रिमूव करवा दिया, उनको समझाया कि प्लीज मास्क के बिना तो ये यकीनन फिर आपसे शर्मा रहे होंगे, हमसे तो कभी ना देखे बैठे हुए इफ्तिखार भाई, कोई मास्क वास्क की जरूरत नहीं है। आपसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगी मुझे इस बात। नहीं, मुझे आपको मेरे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो जिन्होंने मास्क लगाया था उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कोई ऐसा था कि आप भी घबरा रही हो इंटरव्यू करते हुए कि आज इनका इंटरव्यू करना है? हाँ, एक थे, उनका भी कोई नाम रखा है या नहीं बताना? कराची से थे, सिंध के। कराची से सिंध के, PTI के थे या पीपल्स पार्टी के थे? PTI के थे। अच्छा, कराची से PTI के MNA, नाम याद नहीं आ रहा, गवर्नर जो थे जी जी। अच्छा, इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल पहुंच गए, पहुंच गए। इमरान इस्माइल, इमरान इस्माइल साहब, उनको नाम याद करने में सॉरी मेरी। नहीं, कोई मसला नहीं है, हम इसी काम के लिए बैठे हैं। मैं भूल जाती हूं नाम याद। आप अच्छा, इमरान इस्माइल साहब ने क्या किया? मुझे लग रहा था दोनों घबराए हुए थे। उसे दोनों घबरा गए। ये भी अच्छा है वैसे, इमरान साहब इंटरव्यू लेने वाला भी घबरा हुआ है, देने वाला भी घबरा हुआ है, एक अजीब सा माहौल चल रहा है। नहीं तो वो क्यों घबराए थे? आप मेकअप करके नहीं गई थी? वेलकम बैक जी। मेरा क्वेश्चन सर से है, सर कहा जाता है कि यूथ जो है वो PTI को फॉलो करती है, तो आपकी पार्टी कोई ऐसी स्ट्रेटजी क्यों नहीं लेकर आती जिससे वो यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके? नहीं, इस हद तक तो यानी 100% यूथ का नहीं मैं कह सकता, और हल्की हल्की यूथ कर रही है। नहीं, एक है कि मेजर पोर्शन है PTI के साथ, लेकिन PMLN के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है, तो मिक्स है। जारी, आप वोट कास्ट करती हैं जी? आपने पिछली बार किया था जी। जिनको किया था वो जीत गए? यस, वो जीत गए। सर मुखालफ निकला है। और आपने अपना वोट कहाँ कास्ट किया था, किस शहर में? लाहौर में। लाहौर में किया था, और जो जीत गए थे लाहौर में वो उनकी हुकूमत ही बनी थी? लें सर, यूथ तो कहीं और जा रही है। वोट देना तो हर बंदे का अपना। नहीं, वोट तो उन्होंने दिया, मगर आप जो कह रहे थे तो वो देखे साथ ही सबूत मिल गया। इनसे पूछते हैं, आयशा आप वोट देती हैं जी? आपने जिनको वोट दिया था वो जीत गए थे? नहीं जीते थे? नहीं। उनकी हुकूमत नहीं बनी थी? नहीं। ओए, ओए, आपके वोटर हैं। माशाल्लाह। और आयशा मुबारक हो आपको, ये खान साहब ने आना, आप पे भी एक छोटा सा पर्चा होगा। यार क्यों यार?
सर उन्होंने जिन्हें हुए ने उन्होंने बदले लेने मन लो यार, मगर उनका एक कसूर है। और ये वोट ये वैसे पर्चे वाला कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए सर, ये क्या पर्चे पे पर्चा, अजीब वो गाना हुआ करता था दाने पे दाना, अब तो वो पर्चे पे पर्चा, पर्चे पे पर्चा। सर चौधरी साहब ने दो ईद वाले सूट बनाए ने, तीन इन्होंने शादी वाले बनाए ने, ते चार इन्होंने जेल वाले भी बना लेने। देखिये ये इस सारे प्रोसेस में से हम गुजर के आए हैं जी, जो लास्ट चार साल गुजरे हैं ना जी, 16 इंक्वायरीज एंटी करप्शन की, 2 नैब इंक्वायरीज और 3 780A के पर्चे ये भुगत के हैं। आपके ऊपर हो गए जी, बिल्कुल। ये ना बड़ा गंदा कल्चर है और नहीं होना चाहिए, और बस अल्लाह ही पनाह दे। पिछले 4 साल जो हुआ है PMLN की क्यादत के साथ, हमारे साथ जो हुआ है यहाँ पे, लेकिन सर किसी के गेट तो घर के नहीं ना टूटे, किसी के दीवारें तो नहीं भलांगी गई। उसको किसी ने भी अच्छा हो रहा है उसका थोड़ा सा, उस अमल को किसी ने भी अच्छा नहीं कहा, वो गलत अमल है, नहीं होना चाहिए। सियासत में इतनी रवादारी ज़रूर होनी चाहिए कि भी जो आपके नुक्ता नज़र से या आपसे इत्तफाक नहीं करते उनके मुतल्लिक आपके पास बर्दाश्त होनी चाहिए, पर मैं भी उसको कंडेम करता हूँ, वो अच्छा अमल नहीं होना ही नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज मैं तो बहुत ज्यादा फिर खुश हूँ कि जारिया जी फिर आई हैं। अच्छा। और आज जब मैंने पूछ के जाना है कि क्यों हर मरतबा मुझे रिजेक्ट करके जाती हैं, आप होस्ट भी बन गई हैं, एक्टर भी बन गई, मॉडल भी बन गई हैं, ठीक है ना, तो अब किसी के दिल की रानी कब बनेगी आज बता के जाना आपने। हर मरतबा अपना धोखा दे के चली जाती है, हर मरतबा मेरे हर आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। नहीं आज आप सच बताएंगे क्योंकि मेरे को यही शर्ट रह गई है। पिंक कलर की शर्ट पहन के आनी चाहिए थी, सेम सेम मैचिंग। ओए होए पिंक कलर की शर्ट, लेकिन मुझे पता ही नहीं था आप ये पहन के आ रही हैं, तो मैं जरूर अभी आप रुके मैं फिर पहना हूँ, मेरे पास पड़ी गाड़ी। नहीं नहीं अब तो खैर आपने पहन ली, अगर हाँ कर दी तो फिर चले जाना। नहीं आप बताएं मुझे कि कोई आइडियल मिला कि अभी तक नहीं मिला, हर मरतबा आप कहती कोई नहीं। आप अगर मैं नेक्स्ट टाइम आई तो आप पिंक कलर की शर्ट पहन के आइएगा या सेम कलर की शर्ट पहन के आइएगा, फिर मैं मानूंगी। कोऑर्डिनेशन कर लेना ना। अच्छा मैं बिना कोऑर्डिनेशन के, दिल को दिल से राह होती है ना, आपके ख्वाबों का शहजादा मैं ही हूँ। फिर पता चलेगा इतने बुरे ख्वाब। बट डन सर, वाह नहीं मतलब वो हाँ नहीं, ये तो मुझे लग रहा है मजाक कर रही हैं आप, जो कि ना वो कहते हैं ना वक्त को धक्का देना, वक्त को धक्का देना वो है, लेकिन एक आइडिया। इतना बड़ा धक्का मैं कैसे दे सकती हूँ? ऐसे आप बता दें खसूसियत क्या होनी चाहिए ताकि मैं उस तरह का बन जाऊँ। स्पाइक्स बना के आइएगा, हेयर स्टाइल होना चाहिए आपका, ठीक है, और चार्ली चैपलिन जैसी मूंछें होनी चाहिए छोटी छोटी। शाबाश, मैं करियाने की दुकान खोलूंगा। अच्छा स्पाइक्स बना के आइएगा, चार्ली चैपलिन जैसी मूंछें होनी चाहिए, और और दो दांत आपके बाहर हों ऐसे। और केड़े कार्टून फिल्म से काम करना इंसान नहीं, ड्रैकुला लग रहे हैं। मुश्किल शर्तें आपने बताई हैं जारिया इनको। अब देखें मोहब्बत एक आग का दरिया है और डूब के जाना। आग दे दरिया जो मैं नंगे हैं जी, हर शाही गई मेरी। वैसे आपका कभी हुआ इफ्तिखार साहब इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल हुआ जी। अच्छा हुए। आपका कब हुआ था? 2002 में जी। अच्छा, जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, मेरे हलके की आवाम से हुआ है और वो तोड़ चढ़ा अल्लाह के फजल करम से। नहीं नहीं, हम वो वाले आग के दरिया, वो जो जारिया ने जो आग का दरिया बयान किया था उसकी बात, 2015 में हो गया था। अच्छा, तो बस वो भी है जी, चल रहा है। तो ज्यादा जो अजय तक तकलीफ थी वो 2002 में महसूस हुई थी, 2015 ना 2002 में हुई है ना 2015 में हुई है। अच्छा, दोनों में मजा आ रहा है और अल्लाह के फजल करम से निभ रही है खूब। प्यार के भी अपने रुख हैं, बिल्कुल लाजमी बात नहीं है कि उसका एक ही पहलू हो, जिस तरह मेरे भाई फरमा रहे थे, फिर उसकी अच्छी मिसाल इन्होंने हाथ फेर के दे दी। दूसरा रुख हमारे वाला भी है ना जी। अच्छा। हमें अपने हलके के लोगों से प्यार हुआ है। तुसी ना हाथ फेर रहे हो, तीन चार जड़े हैं पीछे में चले। मैं तो फिर आपकी नजर कहूंगा कि भी इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो। शेर व शायरी से भी दिलचस्पी रखते हैं, और जारिया बहुत महसूस हुई है आपके शेर से। बहुत अच्छा, मैं वो कच्चे मकान से महसूस हुई। शादी आपकी इलेक्शन से पहले हो चुकी थी? बाद में हुई जी, 2005। मतलब मोहब्बत तो फिर आपको बाद में हुई। रिश्ते वाले ने शर्त रखी जितनगे तो ब्याह करेंगे, नहीं तो यार भाई भी होता है, ये भी होता है। सर खुश है अपनी शादीशुदा जिंदगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं फिर तुसी भी ऐसे ना आम एक पॉलिटिशियंस के मुताबिक ना, वो एक भाई का शेर यह है शायद के भी, तू तो सूरज है तुझे कहाँ मालूम, रात का दुख किसी रोज उतर मेरे घर,
शाम के बाद। सियासतदानों का आलम तो यही है कि उनका उनको देखा किसी और नजर से आता है, लेकिन हकीकत कुछ और है उनकी। सही बात है। वैसे बड़े इफ्तिखार साहब, शेर व शायरी से काफी लगाव लगता है आपका। फुल्का सर, कॉलेज के जमाने से ही है ये? सर हाँ, कॉलेज के जमाने में। गवर्नमेंट का लाहौर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है बिल्कुल जो आपको हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है। तो वहाँ पे हमारे एक अदब सोसाइटी थी। अच्छा, तो सोसाइटी का हिस्सा भी रहे आप? कभी कभार जाते थे वहाँ। कभी कभार जाते थे, और फिर लाहौर में आप रहे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो कभी हुआ सर्दियों के अंदर वॉकें तो की होंगी माल रोड के ऊपर? नहीं, अनारकली बड़ा फिरे हैं। बड़ा फिरे होंगे, है ना? तो फिर तो और बहुत से हसीन वाकयात भी हुए होंगे जमाने तालिबे इल्मी में। नहीं वो ना भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं। अभी भी कोई अभी करते हैं शायरी वगैरह? नहीं सर, नहीं अभी तो पुरानी शायरी ही चल रही है स्टोर में पड़ी हुई है। शेर तो आपको याद है कुछ शायरों के? मगर इससे पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट था कि उनको शेर याद है। शायरी पढ़ना एक और एलिमेंट होता है, और उसका याद रहना फिर, और वो भी गिवन के वो कह रहे हैं कि अब नहीं करता, तो यानी कि ये उस जमाने की यादें हैं जो कि अभी तक ज़हन-नशीन हुई हुई है। अच्छा मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। हाँ, मेमोरी कार्ड अच्छा वाला लगा हुआ है। कौन फेवरेट शायर थे वैसे आपके? परवीन शाकर को। परवीन शाकर साहब, आपको आपको कंगन होता है इनका भी एक शेर है कि काश मैं तेरे बड़े पाँव का संगल होता। कॉलेज लाइफ का कोई रोमांटिक शेर अगर याद हो? नहीं जी, रोमांटिक बताएं जी, लड़के को फरमाइश आई है। तू की जाने केड़े गल्लों सह लिया ने दूरियां लखा, तैनू ने जे कम हजारा सानू भी मजबूरियां लखा, ते प्यार दी जुट मधानी इको ते तरले लैन चटूरियां लखा, कोई ता दुध दी धार नू विलकन ते कईयां कोल ने बूरियां लखा, की होया जे पल्ले कुछ नहीं भुख है भावे गोडे गोडे, इन्नी भी गल कोनी सुनो तुसा उत्ते चूरियां लखा। जारी आपको है कोई शेर व शायरी से दिलचस्पी? आपकी कोई हॉबी है, कोई ऐसी चीज हो जो आप अपने लिए? मेरी हॉबी पेंटिंग है, सिंगिंग है। अच्छा, सिंगिंग ही कर देती हैं आप? और आपके कोई सिंगर फेवरेट हो? मुझे आतिफ असलम अच्छे लगते हैं, मुझे अदनान समी की आवाज बचपन से अच्छी लगती है। बड़ी एक उनकी डिफरेंट और यूनिक आवाज है, अच्छी आवाज है वो। और मुझे कभी कभी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल या सैड मूड में हूँ तो मुझे नुसरत फतेह अली खान की गजलें अच्छी लगती हैं, मुझे जगजीत सिंह की गजलें अच्छी लगती हैं। ऐसे मल्टीपल मूड्स चलते रहते हैं। लेकिन कोई कोई अगर सॉन्ग सुना दे हमें थोड़ा सा, कोई आपका फेवरेट गाना जो आजकल आपको बहुत अपनी जहरीली आवाज में? कोई गाने वगैरह का कोई ऐसा? जी मैं वो हम सफर था का गाना सुना सकती हूँ। हम सफर ड्रामा जो हमारा था जी, कुरतलैन बलोच ने जो गाया था। अदावतें थी तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, अदावतें थी तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी कि धूप छाऊं, कि धूप छाऊं का आलम रहा, जुदाई ना थी। बात है। अगर आप दो साल रियाज करें ना तो आप चांद फतेह अली खान बन सकती हैं। इंडिया तो नहीं यार, हिंदुस्तान। डेलीगेशन स्पेशलिस्ट है कौन? कौन? मैं तो पूछ रहा, तुझे मैंने पूछा। बिलावल भाई,
बिलावल के साथ इंडिया यार नाल कट्ठे गए हैं जहाज दे विच बैठ के। अच्छा मैं कहना ऐसी गपशप होई है आए गोवा एयरपोर्ट पे उतरे हैं लैंड वाले सारे बेहोश मैंने वेख के नहीं बिलावल साहब नु वेख के। अच्छा भाई नौजवान क्यादत नु वेख के एक बारी झटका तो लगता है फिर हां फिर उन्होंने ओए होए 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 इना प्रोटोकॉल। अच्छा ओए इना प्रोटोकॉल भाई इन्नी फोर्स उन्होंने लाई हुई सी जाहिर है भी तुम्हें पता भाई पाकिस्तान तो बंदा गया फिर सिक्योरिटी तो होनी चाहिए है। हाँ। पूरी दुनिया ने जवाब नहीं देना। यस नाले वो जरा बयान जारी होया है कौन सा अभी तक हमारी खातरदारी में कोई कमी नहीं हुई। हाँ। कहने दिता कहने दिता ऑफ कोर्स वजारत खारजा ने उन्होंने बंदा मैं तो नहीं ना दे सकता। ओके हाँ राती फिर गए डिनर ते ओए बीच दे उत्ते डिनर ओए होए बीच दे उत्ते डिनर लेकिन सर मैनू नाल एक नाराजगी हैगी क्या उन्होंने सलाद च मैनू प्याज ज्यादा दिते सर। अच्छा हाँ इस तरह ना करना चाहिए मेहमान नाल। हाँ राती फिर रेस्ट कीती है। ओके सवेरे तुम पता फिर मैंने जल्दी उठन की आदत है। यस गया फिर मैं जॉगिंग थे अगो रोहित शेट्टी साहब मिल गए जी सर बीच पे आपको रनिंग करते हुए जी सर। अच्छा मैं क्या सर तुसी किधर कहंदे ने तेरे मगर। अच्छा मैं क्या मेरे मगर क्यों उन्हें क्या तुहानू लभ रहा मैं का जड़िया अखबारों के बच्चे तुहाड़ियां फोटो लगिया ने ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਕੰਮ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਏਡਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੇਟੀ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਿੰਘਮ। ਯੈਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚਿੰਗਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੰਗਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੋਆ ਟੂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੁਲਾਈ ਕੀ ਡੇਟਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਕਿਆ ਥਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਡੇਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਓਕੇ ਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਲੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਦਮਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬਰਜਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜੇਗੀ ਐਮ ਪੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਰਜਾਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੇਨ ਚ ਮੈਂ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਈਜਨ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓ ਪਹਿਚਾਨ। Yes. ਸਰ ਇਨਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਾਰੀਆ ਜੀ। Yes. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਰਜਾਈ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜੇ ਫੇਸ ਰਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੇ ਮਾਂ ਚੱਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈਜਾਨ MPA ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਮ ਅਬ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ 302 ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ वेलकम बैक जी आवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम माय सेल्फ अरसलान असगर जारिया मैम मेरा आपसे सवाल है कि एक एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में इन होने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है और उसका पीक पॉइंट क्या होता है देखिए पीक पॉइंट तक पहुंचना तो बहुत बात की बात है आपको अपने बिल्कुल जो प्रोसीजर चल रहा होता है जब आप स्टार्ट लेते हैं इंट्रोड्यूस होते हैं फील्ड में स्टेप बाय स्टेप हर जगह आपको शदीद मेहनत की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को मनवाना पड़ता है अपना टैलेंट मनवाना पड़ता है कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छा दिखता हूँ तो बस मुझे सब कुछ मिल जाएगा आपके अंदर उसको परफॉर्म करने का भी टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर उसको बोलने का भी टैलेंट होना चाहिए सिर्फ खूबसूरती ही मैटर नहीं करती पीक पर पहुँचने के लिए जी सवाल माई सेल्फ अबू हुरैरा फ्रॉम गुजरांवाला सर मेरा सवाल आपसे है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला था जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी आपने बोला था कि जब पंजाब और KP की असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो इलेक्शन में जाएंगे तो अभी खान साहब ने पंजाब और KP की असम्बली डिसॉल्व कर दी हैं तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे नहीं बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है छोटे भाई ने मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो हम तो तैयार हैं जब मर्जी इलेक्शन आ जाए ना जी लेकिन एक मौक़िफ़ हमारा ज़रूर है कि तमाम पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जो अबूरी सेटअप बने उसके तहत पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए और तमाम एक पार्टी को छोड़ के बाकी पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं देखें जो जमात इस्लामी है वो हल्का सा टिंट रखती है PTI की तरफ उसका भी मौक़िफ़ यही है कि भी एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए तो ये मजाक नहीं है कि भी कुछ इलेक्शन आज हो जाएं कुछ कल हो जाएं तो बाकी इस पर क्योंकि ये सब जुडिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मैं ज़्यादा इस पर लंबी बात नहीं करूँगा लेकिन एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम बिलाल है और मेरा इफ्तिखार सर से ये सवाल है कि आने वाली इलेक्शन कम्पेन में आप PDM की तरफ से वोट मांगेंगे या नून लीग की तरफ से वोट मांगेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है और अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से वो कमिंग इलेक्शन में जाएंगे ये जो अलायंस हुआ है ये एक फॉर द टाइम बींग है अगेंस्ट जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट ठीक है अब जब भी जनरल इलेक्शन होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मैनिफेस्टो पे अपने प्रोग्राम में अपने कैंडिडेट्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और सिमिलर इसी तरह पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी अपने कैंडिडेट्स के साथ जमात में आएंगी अपने अपने तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से PMLN की तरफ से एज अ कैंडिडेट आऊँगा जी वेरी गुड जी क्वेश्चन जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद अल्हा शाहिद है मेरा सवाल सर इफ्तिखार से है कि रिस्पेक्टेड इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद पॉलिटिशियंस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिर्फ पाकिस्तान में हैं लेकिन इसके अगेंस्ट नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज़ और बैंक बैलेंस भी पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन आप लोग सिर्फ इमरान खान को फॉरेन एजेंट क्यों कहते हैं अच्छा गुजारिश ये है आपने एक पाकिस्तानी होने के नाते आपने सोचना है एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आपका कोई हमदर्दी है उसको साइड पे रखते हैं आप ये देखें कि भी 99 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है ठीक है ना जी 99 में मैं पीछे वाला छोड़ देता हूँ 90s में क्या हुआ दो मरतबा उनकी असम्बली तोड़ी गई फिर 99 में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का कू हुआ तो उनकी फैमिली के साथ क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया ठीक है और अब ये 2015 और 16 में जिस अंदाज में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया है तो इस अंदाज के बाद मुझे बताएं कोई भी मेरे और आप समेत कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी यहाँ पे कारोबार करेगा नहीं करेगा जब आप उसको दर बदर कर दोगे और ना करदा गुनाह में उनको पनिश कर दोगे तो फिर बच्चों की रोजी रोटी भी तो उन्होंने कमानी है ना जी नंबर टू मैं नहीं कहता मैं तो वैसे एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ लेकिन कुछ लोग देखें ना हकीम सईद साहब का क्या इख्तलाफ है
हम मानते हैं कि वो इस सच्चा पाकिस्तानी था, मुहिबे वतन पाकिस्तान, तो उन्होंने तो खान साहब के मुतल्लिक कहा है। डॉक्टर इसरार साहब को मैंने तो नहीं कहा कि भाई आप लिख दो इनके मुतल्लिक, तो उन्होंने भी तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक लिखा है। तो अगर उनकी बात की तायद करते हैं कुछ लोग तो उनका नुक्ता नज़र है, पर मैं नहीं कहता उनको, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, मैं नहीं कहता उनको। बहुत अच्छा सर, 2020 खेलेंगे, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है, कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। पहले कौन खेलना चाहता है आप में से? लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप क्या एग्री हैं इस बात से? जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, लेडीज ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर होंगे, उसमें तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार मुनव्वर, आद रजा मीर और बिलाल अब्बास। तो सेल्फी किसके साथ है? आद रजा मीर। स्माइल किनको देनी है? बिलाल अब्बास। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? शहरयार मुनव्वर। ठीक है जी, शहरयार मुनव्वर का फ्लोर आ गया। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल दो यू विल कम बैक, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर और फवाद खान। अली जफर। अली जफर होंगे वो। ये बताइए मैडम के टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और मौलाना फजल रहमान। दोनों ही मेरे किसी काम के नहीं है मगर अवेलेबल ये हैं हमारे पास। मौलाना फजल रहमान होंगे वो। ये बताइए मैडम, आपके फोन के अंदर एक बेल के तौर पे एक आवाज फीड कर दी जाएगी, मॉर्निंग अलार्म होगा वो आपका। रोज सुबह आप उठेंगी, आप वही मॉर्निंग अलार्म सुनेंगी, यानी कि वही आवाज आपको जगाएगी। तो किसकी आवाज सुनना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार आफरीदी और फैसल वाडा। शहरयार आफरीदी। शहरयार आफरीदी की आवाज़ होगी। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी इफ्तिखार साहब और वहाज अली। वहाज अली। वहाज अली। चौधरी साहब, चौधरी साहब मैं तुम जर्सी ला देंगे। चौधरी साहब बता दीजिए फिर, एक मॉर्निंग अलार्म के तौर पर आवाज आपके भी फोन में फीड कर दी जाएगी, रोज सुबह आपको आवाज जगाएगी, किसकी आवाज सुनना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद और माहिरा खान। मुराद सईद। मुराद सईद। ये बताइए सर, इनमें से किसकी तकरीर टेलीविजन पे आ रही हो तो बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर आ रही हो तो एक बार सुनेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप टेलीविजन को बंद ही कर देंगे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और तलाल चौधरी। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? राणा सनाउल्लाह की स्पीच बार बार सुनेंगे। एक बार किसकी सुन रहे हैं? तलाल की। और बंद कर दी है आपने? आबिद भाई की। आबिद भाई, आपकी तकरीर बंद हो चुकी हुई है। ये बता दीजिए सर, चांद पर जा रहे एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब इसहाक डार। मैं पास करूंगा, मैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में चले गए। ले जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तानी 5,000 रुपए के नोट पे किस जगह की तस्वीर बनी होती है? देख लो। नहीं देखना ही तो नहीं है मेरे ख्याल में। जी सर, मुझे नहीं आइडिया नहीं जी। आप जाना चाहते हैं अपने ओरिजिनल सवाल है, वापस आप जा सकते हैं। जी उधर चलो। जी सर, किसको छोड़ रहे हैं फिर? इसहाक डार। इसहाक डार ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और जारिया खान। इनको। डूबती कश्ती है, दो लाइफ जैकेट्स हैं, दूसरी लाइफ जैकेट किनको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा शहबाज और हुसैन नवाज। हमजा शहबाज। हमजा शहबाज होंगे वो। ठीक है तुम्हारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। जारिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।